have something you never had, you need to do something you never did. जी हाँ, कुछ ऐसा ही कहा था 19वीं सदी के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, और मैं भी कुछ ऐसा ही मानता हूँ। मेरा मानना है कि किसी भी हंसी मंजिल को पाने से पहले जो मुश्किलात आते हैं, उनका सामना कर कर आगे बढ़ने में ही उस हंसी मंजिल को पाने का मज़ा है। तो गाइज, आज का व्लॉग होने वाला है इसी हंसी मंजिल के बारे में, जो कि है एक अननोन मिस्टीरियस वाटरफॉल, और ये लोकेटेड है IIT खड़गपुर से करीब करीब हाफ एन आवर के बाइक राइड पर। तो चलिए जान लेते हैं इस वाटरफॉल के बारे में, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और याद रखिएगा, इट्स नेवर टू लेट। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ मिस्टीरियस वाटरफॉल। और हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, आज़ादी मुबारक गाइज। जैसे कि आप लोगों को पता है कि संडे का दिन है, एंड लास्ट नाइट आई वॉज हैविंग अ गुड रीड, हेंस आई स्लेप्ट लेट एंड वोक अप सो लेट दैट इवन द फोन विश्ड मी गुड आफ्टरनून। देन आई पुट माई फोन इन माई पॉकेट्स एंड देन पैक्ड माई बैग्स विद अ टी शर्ट एंड अ क्वार्टर पैंट। Then I didn't forget to zip up my bags. Then I thought of taking my two cats Bagheera and Pedro with me. Then I saw that they were sleeping. और हाँ, ज़्यादा देर ना करते हुए मैंने अपने दोस्त त्रिनाथ को भी साथ ले लिया। फिर शुरू हो गया हमारा ये सफ़र, जो कि IIT खड़गपुर से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहीं पे आपको कैंपस दिखता होगा, और IIT खड़गपुर से करीब करीब ये 30 मिनट से 45 मिनट्स के दूरी पर है। जाते वक्त आपको कहीं सारे सीरीन लैंडस्केप्स, एक सुंदर सा क्लीन हाईवे, कुछ छोटे मोटे विलेजेस, मैं और त्रिनाथ, और कुछ छोटे मोटे टर्न्स भी आपको मिलेंगे, कुछ साइन बोर्ड्स भी होंगे जो आपको गाइड करेंगे पूरी राह पर। जाते वक्त हमें भी कुछ गाँव के लोग मिले, और एक बंदा भी मिला जो साइकिल में हमें बताया जा रहा था कि रुकना नहीं है, नॉट कमिंग स्लो। तो ऐसे ही कुछ आगे जाकर और भी आगे जाते हुए हमें मिल गया अपना मिस्टीरियस वाटरफॉल। Back.
कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हैं, और अगर नहीं भी हैं तो हो जाइए, क्योंकि मेरा नया ब्लॉग आ चुका है। तो अभी जो है मैं आ गया हूँ झिमोली में, और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये वाटरफॉल वाला एरिया है। और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अगर यहाँ पर आएँ भी तो ज़रूर से एक हाफ पैंट पहन कर या ले कर आएँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पानी जमा हुआ है अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं खुद यहाँ पर हाफ पैंट पहन कर आया हूँ। दोस्त त्रिनाथ है मेरे साथ, हाई कर दीजिए आप लोगों को। तो चलो अभी हम लोग चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं बाकी के सीन। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे एक छोटा वाला वाटरफॉल है, और बाकी का जो वाटरफॉल है आगे जाके दिखाता हूँ मैं, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक और एक बड़ा वाला वाटरफॉल है। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे और चेकआउट करते हैं क्या। किसी छोटे से शहर के एक ब्लॉगर ने कहा था, इट वॉज नेचर वेयर आई वॉज लॉस्ट एंड अगेन फाउंड माई सेल्फ। तो गाइज, डू यू थिंक Is there a better place to spend your evening, especially a Sunday evening? Of course there is, if you have the guts to chase your boundaries and attain your dreams. Do you know what? Few days back, I came across a video on YouTube where a 100-year-old American man was advising to the youth his life quotes. And I very clearly remember one of his life quotes where he said that miracles are waiting outside. All you need is to step out and explore. So guys, this was all about today's video. I hope you guys liked it. And if you liked it, do comment and subscribe the channel. Thank you for watching, and also visit my